नमस्कार, मैं हूं कंचन मिश्रा और आप देख रहे हैं समाचार इंडिया न्यूज चैनल। आइए शुरू करते हैं आज की खबर। इंडियन गैस एजेंसी के मैनेजर से लूट की कोशिश नाकाम, मचा हड़कंप। मामला प्रयागराज के नगर पंचायत कुराओं का है, जहां इंडियन गैस एजेंसी के मैनेजर बाइक से आज दोपहर नगर पंचायत कुराओं से मेजा रोड वाली बसहरा बैंक जा रहे थे, तभी पीछे से सिरियारी गांव के पास तीन अज्ञात बदमाशों ने अपाची बाइक से पहुंचे, मैनेजर ब्रजेश केसरी पर चाकू से प्रहार किया और लगभग 5 लाख को अपने पास ले लिया, जिसके बाद मैनेजर लहूलुहान होने के बाद भी हार नहीं माना और उसने पैसों को बचाने के चक्कर में भिड़ गया, जिसके बाद बदमाशों ने चाकू और तमंचे की बट से सिर पर प्रहार कर दिया, लेकिन मैनेजर ने पैसे से भरा बैग को उठाकर खेत में फेंक दिया, जिससे बदमाश लूट के मंसूबे में नाकाम हो गए। वहीं मौके पर सूचना के बाद बैंक मैनेजर के परिजन और उनके पास पहुंचे और अस्पताल में भर्ती कराया। मैनेजर की हालत गंभीर होने पर जिला अस्पताल किया गया रेफर। सूचना पर पहुंची पुलिस जुट गई है जांच में। कोराव इलाके में लगातार लूट जैसी घटनाएं होती चली आ रही हैं। बदमाशों के मन में प्रशासन का कोई खौफ दिखाई नहीं दे रहा है, जिससे दिन दहाड़े बदमाश लूट की घटना को अंजाम देकर निकल जा रहे हैं। उमेश चंद्र, सोनी की रिपोर्ट। जहां तक उसको संघर्ष करना था उसने संघर्ष किया, संघर्ष में बाद में वो हार गया उसके, क्योंकि जो है ब्लड आने लगा, गांव के लोग इकट्ठा हो गए, उस इकट्ठे में जो है उसकी जान बच गई और वो सेफ जो है सुरक्षित है। अच्छा, लगभग कितना पैसा लेके यहाँ से निकले हुए थे? अब ये कैश मैं कुछ नहीं कह सकता क्योंकि मेरे नॉलेज में नहीं, क्या ले गए क्या नहीं ले गए, मतलब कैश था कुल मिला के? कैश था जो उनका इरादा यही था लूट का? लूट का इरादा ही था जो है, लूटपाट का ही इरादा था। क्या घटना घटी है वहाँ पे? एक अपाची से तीन लोग पहुँचे, अब गाली दी है, गाली देने के बाद फिर कट्टा से निकाल के कट्टा से भी वार किए। किसके साथ घटना हुई है? ब्रजेश केसरी, हमारे बड़े भाई हैं। बड़े भाई कैश लेकर जा रहे थे SBI बैंक में जमा करने के लिए, सिरियारी गाँव के पुलिया के पास हुआ वार। आज जब मौके पहुँचे तो क्या था माहौल वहाँ पे? मौके पहुँचने पर उन्होंने चाकू से वार किया था और कट्टे से सर पे वार किया था, उसके बाद भाग गए थे। फिर भाई पहुँच के फिर वहाँ ला करके डायरेक्ट हॉस्पिटल में। आपका नाम? आशीष।